आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 12th की जो रेनबो सेकेंड जो इंग्लिश की बुक है उसी में आपकी पोएट्री में एक कविता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट को, जो कि ये जॉर्डन के द्वारा लिखित है। जॉर्डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। उनकी जब मैं अगर बात करूं तो ये इनका जन्म 22 जनवरी 1572 को हुआ था। डेथ की अगर मैं बात करूं तो इनका डेथ 31 मार्च 1631 को हुआ था। और डन खास करके सॉन्ग्स, सोनेट, सटायर, एलिजीज एंड सरमन्स के लिए जाने जाते हैं। अगर जैसे कि मैं बात करूं, ये स्वीटेस्ट लव आई जॉन्ट को है वो रिटेन बाई जॉन डन फॉर हिज वाइफ अन्य मोर, अपने अन्य मोर के लिए उन्होंने लिखा है। इन द पोएम डेन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी, बट इज वाइफ इज अफ्रेड ऑफ वट विल हैपन टू हिम ऑन द जर्नी एंड डजेंट वॉन्ट हिम टू गो। ये इसमें जो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जो बच्चे थोड़ी से स्टडी करे होंगे अगर इस पोएम को, तो आपको पता होगा कि इसमें जॉर्डन साहब अपनी एक यात्रा पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और इससे उनकी पत्नी को डर लग रहा है कि अब क्या होगा इस जर्नी में, इसलिए वो ये नहीं चाहती हैं क्या कि हाँ कि वो यहाँ से जाएं। जॉर्डन कन्विंसेस हर दैट ही विल बी ऑल राइट। जॉर्डन अपनी पत्नी को कन्विंस कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। और इसमें उन्होंने कहा भी है कि ट्रू लव नेवर डाइज, देखो भाई कि कभी भी जो सच्चा लव होता है कभी मरता नहीं, क्लियर। और उनके पापा का भी नाम जंडन था। उनके पापा, जब उनकी आयु 4 साल की थी तो उनके पापा का डेथ हो गया, क्लियर। और वो थप सुप्रीमेसी न लेने की वजह से उन्हें डिग्री नहीं मिली थी, क्योंकि तो ग्रेजुएशन करने के लिए पहले ये डिग्री लेने पड़ते थे। ट्रैवलिंग एंड लिटरेचर में इन्होंने ज़्यादा समय बिताया, क्लियर। तो इस रूप से अभी मैं बात करूँ कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा कि आखिर क्या क्या कैसे कैसे हुआ। कहता है क्या कि स्वीटेस्ट लव आई जॉन्ट गो इज रिटन बाई, ठीक है कि स्वीटेस्ट लव आई जॉन्ट गो जिसे आप पढ़ते हैं ये पोएम है, ये किनके द्वारा लिखित है? तो ये जॉन डेन, कमला दास, डीएस लॉरेंस या वॉल्ट विटमैन, ठीक है। तो ये किनके द्वारा है? तो ये जॉन डेन के द्वारा लिखित है। इसके लिए आप इसमें टिक लगाएं। जॉन डेन इज अ डैश पोएट। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया इसमें ये चारों के चारों उतने ही दिए, क्योंकि इनका जन्म की मैं बात करूँ तो ये यहाँ के थे ना, ये ब्रिटिश थे, इसलिए इसके लिए आप ब्रिटिश लगाएं, न कि जर्मन, न कि अमेरिकन, न कि इंडियन। हु वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, किन्हें ये फोर्स किया गया, फोर्स करते हुए निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विदाउट डिग्री के बगैर, उन्हें किसको निकाल दिया गया? वॉल्ट व्हाइटमैन को या WH Auden को या जॉन डन को या नॉन ऑफ दिस को, किसको? तो जॉन डन को, क्लियर। अब जरा बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, मैं 5th तक ही बता के मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा, राइट। चलिए अब जैसा क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, हु इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिजीज एंड सरमॉन्स। अभी जस्ट ही बताए थे कि किसे जाना जाता है, किस रूप में? तो उनके अपने सॉन्ग्स के लिए, उनके अपने सोनेट्स के लिए, या सटायर्स के लिए, या एलिजीज के लिए, या सरमॉन्स के लिए। अभी आपको पता होना चाहिए कि सॉन्ग्स के बारे में तो जानते हैं, सोनेट्स मतलब क्या होता है? सोनेट्स का मतलब होता है जिसमें 14 लाइन्स की कविता हो उसी को सोनेट्स कहते हैं। सोनेट्स भी अलग अलग पार्टों में बट जाता है। सटायर्स व्यंग को कहते हैं। एलिजीज जिसमें दुखांत की चर्चा की जाती है। सरमंस मतलब प्रेचर, जो कि प्रेच है, एक प्रकार का उपदेश है, सॉरी प्रेचर नहीं, उपदेश है ये, तो प्रेस उपदेश के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जॉन डन को, राइट। और जरा कहता है कि हुज साइंस आर लाइक विंड इन द हाई सीज, इसके लिए हम किसे मानेंगे, क्लियर। तो इस रूप में आपको पता होना चाहिए कि किसका साइंस एक विंड के रूप में, इस हाई सीज के रूप में देखा जाता है। तो इस रूप में अभी आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए मुझे क्या देना होगा, तो जॉन टन को, क्लियर। तो इस रूप में अभी आपने देखा कि मैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का 5 क्वेश्चन MCQ की चर्चा मैंने किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर
कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।